मेरा नाम कृष्णकांत झा है। संस्था का नाम प्रभु श्री रामलाल संगीत महाविद्यालय झांसी है। क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये 47वां वार्षिक योग शिविर शास्त्रीय संगीत गायन वादन एवं कथक नृत्य की प्रतियोगिताएं कल से चल रही हैं। आज इनका समापन हो जाएगा और कल और परसों अर्थात 30-31 अक्टूबर में शास्त्रीय गायन कथक नृत्य और वाद्य तंत्र वाद्य वादन के मूर्धन्य कलाकार कलकत्ता दिल्ली और वाराणसी से आ रहे हैं। उनमें ठुमरी गायक भी हैं और शास्त्रीय गायक भी हैं। कार्यक्रम का अपना उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का लक्ष्य जो लुप्त होती जा रही योग जो हमारी सनातन धरोहर है उसे पुनर्जीवित करना, इसकी ओर लोगों को आकर्षित करना, शास्त्रीय संगीत की ओर आकर्षित करना, प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को ऐसा मंच देना कि उन्हें लगे कि उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने के अवसर तो मिल रहे हैं, नहीं तो वे निराश हो जाएंगे। और जितने प्रतियोगी छात्र छात्राएँ आते हैं, अभी हिमाचल प्रदेश के आए हैं, बांदा के हैं, महोबा के हैं, ग्वालियर के हैं, लखनऊ कथक एकेडमी के हैं, उन सबको निशुल्क आवास भोजन दोनों टाइम और सात्विक स्वल्पाहार की व्यवस्था प्रभु श्री रामलाल संगीत महाविद्यालय की ओर से होती है। मेरा नाम कनिष्का केतवास है। मैं गुरुकुल म्यूज़िक एकेडमी में सीखती हूँ अपने गुरु श्री समीर भालेराव जी से। आपने यार क्या गाया? मैंने इधर पे क्लासिकल सिंगिंग जो हमारा हिंदुस्तानी म्यूज़िक है उसको प्रस्तुत किया और एक भजन गाया। एक भजन गाया, थोड़ा थोड़ा सुना दे। बनने कोई बात नहीं। अखिया हरि दर्शन के प्यासी। नमस्कार, मेरा नाम अंशुल टुकवार है, मैं सारंगी बजाता हूँ। आज मेरा कॉन्सर्ट था यहाँ पे, आज मेरा कंपटीशन था यहाँ पे एलवीएम में, मैंने राग ब्याह बजाया था, अच्छा रहा। बस थोड़ी गलतियाँ हो गई, वो सबको समझ में आएगा जैसा है। बहुत गुणी लोग बैठे थे यहाँ पे मेरे सामने, किसी को भी नर्वसनेस होगी, मुझे भी हुई, बट अच्छा रहा। बहुत अच्छा हुआ है आपका प्रोग्राम, हमारा भाई भी आया हुआ है। क्या पसंद कर रहा है? हाँ, क्या फेस कर रहा है आपका भाई? हमारा वो भाई तबला बजाता है। तो नमस्कार, मैं मुस्कान सोनी हूँ। एक्चुअली मेरा भाई है जो कि भी तबला बजाता है और उसने अभी प्रस्तुति दी हुई है तबले की, तो अभी इसका बेटर हुआ है और प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है यहाँ पे भी। तो मैंने अभी थोड़ा ही टाइम हुआ मुझे आए हुए, तो मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा। मैं दिनेश कुमार झा प्राइवेट विद्यालय में संगीत शिक्षक हूँ और बच्चों को संगीत सिखाता हूँ। ये जो संगीत सम्मेलन होता है यहाँ, जो बच्चों का संगीत प्रतियोगिता होता है, ये मेरे हिसाब से एक साल में 3-4 बार होना चाहिए। अंत भक्ति चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि प्रतिवर्ष होने वाला ये कार्यक्रम प्रभु रामलाल संगीत के नाम से होता है और काफ़ी वर्षों से ये प्रोग्राम चल रहा है, प्रतिवर्ष होता है और इसमें लगभग कई उत्तर प्रदेश के लगभग कई क्षेत्रों के कलाकार यहाँ अपना प्रदर्शन करते हैं आके। बॉम्बे से भी कुछ कलाकार आते हैं और काफ़ी जो नए सीखने वाले हैं उन लोगों के लिए ये बड़ा प्रेरणा वाला कार्यक्रम है। इसमें देखकर जो है जो हमारा शास्त्रीय संगीत की विधा जो दिन प्रतिदिन लगता है कि कुछ कम हो रही है, तो नए बच्चे इसमें आते हैं, देखते हैं, सीखते हैं और उनको एक प्रोत्साहन मिलता है। और मैं चाहूँगा कि ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे और हमारे झांसी के सभी श्रोता भी इसका आनंद देते रहें। बाहर से तो लोग आते ही हैं और ठीक है। नमस्कार, मैं पंडित महेंद्र रावल मोहाना मेरठ से
यहाँ झांसी में आया हूँ। ये प्रोग्राम मेरे ख्याल में ये लगभग 47 सालों से लगातार चल रहा है और प्रभु श्री राम लाल संगीत महाविद्यालय के नाम से प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स भी करीब 10 सालों से लगातार यहाँ पर भाग ले रहे हैं इस प्रोग्राम में और अपनी तरह का एक प्रोग्राम क्लासिकल शास्त्रीय संगीत पर आधारित रहता है। वैसे तो इसमें लाइट म्यूज़िक भी है, गज़ल भजन तबला वादन सारंगी वादन वॉलन वादन सभी तरह के कार्यक्रम हैं और एक ये बहुत अच्छा प्रयास है और इस तरह के कार्यक्रम मेरे ख्याल में एक दो जगह ही होते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं दिनेश भार्गव, मैं प्रभु रामलाल संगीत महाविद्यालय से बचपन से जुड़ा हूँ। लगभग 37वां जो संगीत सम्मेलन है, प्रत्येक 47वां सम्मेलन है, इसमें मैं जब से जुड़ा हूँ, जब पहला सम्मेलन हुआ था और इसमें देश के अच्छे बच्चे तो आते ही हैं प्रतियोगिता में, इस देश के मूल धन कलाकार जो शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ हैं, जानकार हैं, ऐसे ऐसे कलाकार आते हैं जिन्हें सुनने के लिए लोग विदेश से आते हैं। आज दुबई से एक लड़की आई शुक्ला सुनने, वो इस स्कूल से जुड़ी रही शुरू से, वो आई है आज यहाँ दुबई से। तो ऐसे कई लोग हैं जो दूर दराज से यहाँ आते हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। हमारा उद्देश्य केवल ये है संस्था का कि हम शास्त्रीय संगीत को जीवित रख सकें देश के अंदर। ऐसे देश में केवल दो ही कार्यक्रम होते, एक तो तानसेन महोत्सव होता है जो निरंतर चल रहा है, दूसरा बुंदेलखंड संगीत सम्मेलन। आप ताज्जुब करेंगे, कोरोना काल में भी हमने संगीत सम्मेलन कराया। तो हमारा उद्देश्य बच्चों में अच्छे संस्कार डाला, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, उन्हें अपने शास्त्रीय संगीत और अपनी कलाओं से जोड़े रखना है, ये हमारा उद्देश्य है।